साथियों देखिए, ये जो NRC 142 सोयाबीन किस्म है, इसकी आपको मैं हाइट तो दिखाऊंगा, पर आपको मैं बता दूं कि इसको मैंने 1 बीघा के अंदर बीज की दर रखी है 20 किलो और 22 किलो के बीच में मेरा ये बीज NRC 142 के अंदर गिरा है। और इसके पौधों को कतार से कतार की जो दूरी है वो मैंने 14 इंची के गाले पर रखी है, यानी कि ये देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक अगले पौधे की दूरी 14 इंच पे लगाई है। यानी कि इसको मेरे को ये बहुत बड़ी गलती है कि हम किसान लोग बहुत ही कम दूरी पर सोयाबीन की किस्म को लगाते। अगर इसको हम 18 इंची गाले पे अगर लगाते तो इसका उत्पादन कहीं ना कहीं जो हमें 14 इंची के गाले में मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा मिलता। तो किसान साथियों, हमें याद रखना है कि अगले वर्ष अपनी सोयाबीन को 18 इंची के पर ही लगाना है। तो किसान साथियों, हमें हर वेराइटी, चाहे जो भी वेराइटी जो हाइट लेती है, उन वेराइटियों को 18 इंची के ऊपर लगाना ताकि हमें उत्पादन अच्छा मिल सके। और कृषि अनुसंधान वाले भी हमें यही बताते कि आप फसलों को बताए हुए तरीके से लगाइए जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन मिले। देखिए किसान साथियों, आज मैं आपको दो सोयाबीन की किस्म दिखा रहा हूँ। दोनों ही देखने में बिल्कुल सेम दिखाई देती है। मैं दोनों पौधे ये खेत के बीच से निकाले हैं। इसमें से एक सोयाबीन की किस्म है NRC 142 और दूसरी है NRC 150। दोनों ही वैरायटियां देखने में रुएदार है। इनकी फलियों को आप देखोगे तो दोनों में रुए दिखाई देते। इस वैरायटी में भी रुए हैं और इस वैरायटी में भी रुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो इन दोनों में खूबी क्या है, अंतर क्या है? इन दोनों की अगर आप जड़ तंत्र को भी देखोगे तो बिल्कुल सेम है। इनकी अगर नीचे से हाइट देखोगे फलियों के लगने की, ये देखिए NRC 100, ये आपको बता दूं पहले, ये NRC 142 का पौधा है और ये वाला NRC 150 का पौधा है। दोनों पौधे में आप देखो डिफरेंस, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों में कितना फर्क है। ये दोनों की नीचे से फली लगने की स्थिति आप देखिए, दोनों में फली भी काफ़ी ऊपर से लगती है। दोनों हार्वेस्टर से भी कटाई के लिए काफ़ी अच्छी है। और इनके रुए अगर देखोगे तो इसके अंदर थोड़ा भूरापन ज़्यादा है इसके रुए में, और इसके रुओं में थोड़ा भूरापन कम है। और इनके नोट्स की बात करें तो इसके अंदर कितने नोट्स हैं, यहाँ से लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस वैरायटी के अंदर, ये NRC 150 वैरायटी, इसके अंदर हमें 13 नोट्स दिखे। और इसी जिस जगह में NRC 142 को देखता हूँ, वो 50 का था, NRC 150 इसके अंदर आप देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 NRC 142 के अंदर मुझे 11 नोट्स दिखे और NRC 150 के अंदर मुझे 12 नोट्स दिखे। और इसके अगर टॉप की फलियों की बात करें, इसके ऊपरी सिरे के ऊपर, तो NRC 150 के अंदर हमें इसके ऊपरी सिरे के ऊपर हमें फलियों का एक छोटा गुच्छा मिल जाता है जिसके अंदर 4 या 5 फली मिलती है। और NRC 142 के अंदर हमें 2 फलियां या 3 फलियां दिखाई देती है। अगर खेत के अंदर भी अगर आप देखोगे तो हमें, आप देखोगे इसकी हाइट, NRC 142 के खेत में मैं खड़ा हूँ और NRC 142 के खेत में आप देखोगे कि इस वेराइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइट है ये, क्योंकि बारिश आ गई थी इसलिए हमने इधर बहुत गीला भी हो रहा है अभी। और ये देखिए इसकी हाइट, और इसके NRC 142 के ऊपर के हिस्से पे अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर फली का गुच्छा दिखाई नहीं देता है। और इसी जगह NRC 150 का देखते हैं तो इसके ऊपरी सिरे के ऊपर हमें झुमका दिखाई देता है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा दिखाई देता है। और दोनों ही वेराइटियों की अगर हम उम्र की बात करें तो NRC 150 लगभग NRC 142 से 1 हफ्ता पहले पककर तैयार हो जाती है और NRC 142 1 हफ्ता थोड़ा लेट पककर तैयार होती है। अब इसकी स्थिति तो दोनों की तभी पता चलेगी कि हम इसको थ्रेसिंग करेंगे या जब पककर तैयार होगी। इसका उत्पादन का अंदाजा तो थोड़ा अभी लग चुका है कि इसके अंदर थोड़े नो फलियों की संख्या ज़्यादा, यानी कि अगर इसके अंदर 2 या 3 नोट से ज़्यादा, यानी कि इसके अंदर हर पौधे के अंदर 4-5 फलियाँ 42 से 150 के अंदर ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब इनकी थ्रेसिंग करने के बाद इसका इनका रिजल्ट क्या आता है, पककर जब तैयार होगी तब इनका रिजल्ट मैं बताऊंगा कि इनका उत्पादन हमें कितना मिला है। किसान साथियों, मेरे द्वारा इन दोनों NRC 142 और NRC 150 सोयाबीन का मैंने वीडियो बनाया और इनका कंपेयर करके बताया। आपको इन दोनों वेराइटियों में से
कौन सी वेरायटी बेहतर लगती है, और आपके इधर जो भी वेरायटी आपने लगाई है इनमें से कौन सी वेरायटी बेहतर है, इसके लिए आप वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं। और हो सके तो किसान साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और पास बने घंटी वाले बटन को दबा दीजिए जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए। आपको ये पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।